मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अब पत्रकारों पर हमला हो रहा है। एक पत्रकार जो अपनी जान जोखिम में डालकर समाज में अच्छाइयां और बुराइयों पर फोकस करता है, एक तरह से पत्रकार आईना दिखाने का काम करता है, उस पर हमला होता है तो सवाल खड़ा होता है। और सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। मुमरा शहर का पत्रकार रफसान पिरानी, जो कि 15 दिन पहले एक खबर चलाता है और परसों के दिन उस पर हमला होता है। सीसीटीवी में पत्रकार को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं आरोपी, जिसको लेकर पत्रकारों में आक्रोश है। एक पत्रकार की पिटाई कर दी जाती है और पुलिस मामले की संज्ञान में नहीं लेती है, लेती है मगर एक्सीडेंट का एक्ट लगाती है। बहरहाल यही वजह है कि मुमरा शहर के पत्रकार आज एक साथ मिलकर मेमोरेंडम देने सीपी ऑफिस और डीसीपी से डीसीपी के कार्यालय में गए थे, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने विरोध जताया। सुनिए क्या कुछ पत्रकारों ने कहा है। मैं मेरे तमाम पत्रकार साथियों को, भाइयों को एक बात स्पष्टता से बताना चाहता हूं। 3 सप्ताह पहले कौसा कब्रिस्तान के पास एक घटना हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा शिया मुस्लिम समुदाय के एक नेता है अयाज अहसन, इनके साथ एक मोटरसाइकिल सवार युवक ने गालियां दे करके बदतमीजी की। बदतमीजी करने के दौरान का स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया, हम सभी लोकल कुछ चैनल वालों को मिला, हमने उस पर खबर चलाई। बाद में मोहम्मद हुसैन महिडा उर्व मम्मू नाम का वो युवक हम में से सुल्तान रिजवी, मैं, ऐसे कई लोगों के पास, कुछ बड़े लोगों को लेकर के आया, हाथ पांव जोड़े, मेरी गलती हुई है, दोबारा इस तरीके की हरकत मैं करूँगा नहीं बोल करके उसने वो वीडियो हमारा रुकवाया, उसका जो उसके खिलाफ था, उसके अभद्रता का। उसी तरीके से उसने रफसान पिरानी को भी कहा। रफसान पिरानी ने पहले वो वीडियो ब्लॉक किया, उसके बावजूद उसने रफसान पिरानी को फ़ोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी। सुल्तान रिजवी और अन्य कई पत्रकारों की टांगे तोड़ने की, उनको जान से मारने की बात किया कि ये होते कौन है, हम एक एक करके सबको मारेंगे। और 22 तारीख को रफसान अपने घर जा रहा था, चलती मोटरसाइकिल को से उसको गिरा करके कौसा वाली दिशा से मुमरा वाले रोड पर ला करके ओएसिस के पास ले जाके उसके साथ मारपीट की गई। फरवरी की रात 10:30 बजे के करीब मैं दूध लेके कुर्ला डेरी से अपने घर जा रहा था। उसी दौरान युवक मम्मू महिडा, मोहम्मद हुसैन महिडा ने बाइक से मुझे आकर के टक्कर मारा। मैं भी अपनी बाइक पर था, मेरी गाड़ी मिसबैलेंस हुई, उसी जगह पर एक रिक्शा भी पलटी हुई, मुझे गंभीर चोटें आई। रोड से उठा करके ये लोग ने मुझे ओसिस टावर के गेट तक लेकर गए और वहाँ पर भी मारे। पुलिस के सामने मेरा मोबाइल छीना, पुलिस वाले वहाँ पर देखते रह गए। जब कौसा बीट के कांस्टेबल सामने के हाथ में मम्मू महिडा ने मेरा मोबाइल दिया तो वो पुलिस ऑफिसर मेरा मोबाइल मुझे नहीं दे रहा था जी। वो कांस्टेबल ने मोबाइल एक पत्रकार भाई के कहने पर मुझे वापस दिया। मम्मू महिडा पहले से ही मुमरा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस पे मौजूद था और एपीआई शेड़के के साथ में उसकी बातचीत जारी थी। मुझे देख करके मेरे पहले एपीआई शेड़के ने उसे मेमो दे दिया कि सिविल हॉस्पिटल जाओ और आप एमएलसी करा के आओ। उसी दौरान मुझे भी मेमो दिया गया, मैंने यहाँ से फौरन शिवाजी हॉस्पिटल गया, वहाँ पर अपना एमएलसी कराया, ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद जब मैं मुमरा पुलिस स्टेशन आता हूँ तो यहाँ पर एपीआई शेड़के ने मुझे पहले तो धमकाने की कोशिश की कि अगर तुम केस करोगे तुम्हारे पे बड़ा केस हो जाएगा। जब मैंने कहा कि सर मैं आगे करना है, मुझे लड़ना है ये केस को, तो बोलते हैं, बोला जाता है कि फिर उसकी भी सुनवाई होगी, बोलेगी जी। जब थोड़ा प्रेशर में आया एपीआई शेड़के साहब तो उन्होंने एक्सीडेंटल कॉज का केस बनाया मुझ पर, जो कि काफी ज्यादा नाइंसाफी है। जबकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है मर्डर था। ये लोग 15 दिन से मेरी मर्डर करने की प्लानिंग कर रहे थे। हमारे सबूत रिकॉर्डिंग है भाई के पास, मेरी रिकॉर्डिंग। क्या मांग करोगे आप अभी, क्या मांगे आप? चोरी मांग है। सबसे पहले तो मम्मू हुसैन महिडा और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए और जो भी पुलिसकर्मी इसमें मौजूद है, जिसने गलत इस्तेमाल किया अपने पोस्ट का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एपीआई शेड़के को सस्पेंड किया जाए। सबसे बड़े हैरत की बात तो ये है कि आरोपी पुलिस के साथ में बैठा है, टोटली पूरा मुली पुलिस की मिली भगत के साथ। ये जब आए हैं अपना कंप्लेंट कराने के लिए पत्रकार रफसान पिरानी, तो मम्मू जो है पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था, मतलब कहीं ना कहीं, अरे भाई, कहीं ना कहीं देश का चौथा स्तंभ अब खतरे में है मेरे ख्याल से। ये सब आप लोग डिसाइड करो, आप लोग भी मेरे पत्रकार भाई है, आप लोग अपने आज सब खड़े होकर के शाना बाशाना मेरा साथ दिया है, ये लड़ाई हम सब की है।